प्रोटेस्ट चल रहे हैं यार दोबारा से हाइब्रिड मोड कराने के लिए यार, पता नहीं क्यों हो रहा है, बट चलो ठीक है, चल रहे हैं तो अच्छी बात है, कुछ उनकी डिमांड्स है और उनकी डिमांड भी पूरी होनी चाहिए। मेरे ओपिनियन में तो यार जैसा चल रहा है चलने दो, अगर यूनिवर्सिटी इतने दिनों बाद खुलने का डिसीजन ले चुकी है तो यार चलने दो। बट हाँ यार, उनकी भी कुछ डिमांड्स आउट स्टेशन स्टूडेंट्स की जो आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, उनकी भी डिमांड्स भी पूरी होनी चाहिए। बट अगर यार यूनिवर्सिटी खुल भी जाती है तो तुम एकदम से पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके दिल्ली में भागते भागते आओगे और तुम्हें पता नहीं है कि यार तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं मतलब इस वीडियो में पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर ये चीज़ें अगर तुम्हारे पास नहीं हुई तो भाई तुम्हें बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर तुम दिल्ली में आओगे और तुम्हारा घर है काफ़ी दूर, मतलब काफ़ी किसी और स्टेट में है, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है इन चीज़ों की। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्किप करोगे एक भी पार्ट तो यार मिस कर दोगे उन चीज़ों को, और अगर वो चीज़ें तुम्हारे पास नहीं हुई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। डरा नहीं रहा यार, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यार देखो, बड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि यूनिवर्सिटी खुलने भी वाली है, नहीं खुलने वाली है, प्रोटेस्ट चल रहा है दोबारा से हाइब्रिड मोड करने के लिए। आउट स्टेशन स्टूडेंट्स को, मतलब जो आउट ऑफ दिल्ली स्टूडेंट्स रह रहे हैं, उनकी भी कुछ डिमांड है यार, ठीक है, पूरी होनी चाहिए। बट यूनिवर्सिटी खुलने अगर खुल जाती है तो तुम्हारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, मार्क कर लेना, कहीं लिख के रख लेना भाई, तुम्हें बाद में दिक्कत हो जाएगी, वरना बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी। खैर, तुम्हें बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ, ठीक है, तो लिख लेना उन चीज़ों को, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, पहले तुम्हारे पास होनी चाहिए, पहली चीज़ है तुम्हारी फी रिसिप्ट। फी रिसिप्ट क्या होती है, मतलब जब तुमने जिस टाइम पे अपना एडमिशन लिया था, तुमने फीस डिपॉजिट करी थी उस कॉलेज में कि हाँ भाई मैं एडमिशन ले रहा हूँ इस कॉलेज में, तो तुम्हें एक रिसिप्ट मिली होगी, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जिसे भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो कहते हैं, तो वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप या फिर फी रिसिप्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए कि यस तुमने इस कॉलेज में अपनी फ़ी पे कर रखी है, ठीक है। वो एक प्रूफ है, मतलब एक तरह से आईडी मान लो उस कॉलेज की कि यार हाँ तुम उस कॉलेज का पार्ट हो, उस कॉलेज के तुम स्टूडेंट हो, तो फी रिसिप्ट तो तुम्हारे पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। कौन से सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तुम्हारे पास होना चाहिए 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12th का सर्टिफिकेट जिसमें तुम्हारे मार्क्स वगैरह लिखे हुए हैं प्रॉपर ओरिजिनल। जितने भी मैं ये डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ ये सारे यार तुम्हारे ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ओरिजिनल मांग लिए जाते हैं, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन अगर होगी कॉलेज में जाके तो यार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही मांगते हैं, तो ओरिजिनल तो साथ ही रखना, प्लस फोटोकॉपी तो रखना ही रखना, एक दो निकलवा के अपने साथ, ठीक है, तो आगे तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है अभी से। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस तुम्हारे पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें तुम्हारे मार्क्स लिखे हैं, जिसमें तुम्हारी एग्जैक्ट परसेंटेज तुम्हारी निकाली जाएगी कि यार हाँ तुमने इस परसेंटेज में एडमिशन लिया है। प्लस और भाई बड़ी चेतावनी के साथ कह रहा हूँ, जिन्होंने फॉल्स एडमिशन लिया है, फॉल्स एडमिशन मतलब फेक कुछ भी लगाया है और तुम्हारा गलती से एडमिशन हो गया है, तो भाई बच के रहना, फिजिकल वेरिफिकेशन में कुछ भी हो सकता है। अगर ऑफिशियल्स ने, किसी DU के ऑफिशियल ने पकड़ लिया तो भाई तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर कुछ भी स्किप करोगे तो भाई तुम्हारा एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, प्लस तुम्हारे अब सर्टिफिकेट्स आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट तुम EWS कैटेगरी से हो या फिर OBC कैटेगरी से हो तो नॉन क्रीमी लेयर वाला तुम्हारा सर्टिफिकेट लगेगा, प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो जितने भी यार तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे वो होने चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा इशू करे गए, ठीक है। अगर OBC का नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो तुम्हारे पास यार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू हुआ होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, प्लस 31st मार्च के बाद बाद का होना चाहिए, 31st मार्च 2021 के बाद बाद का होना चाहिए, तभी वो मतलब एप्लीकेबल है, ठीक है, वहाँ तुम लगा सकते हो। प्लस तुम्हारे पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 31st मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। प्लस तुम्हारे पास यार पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, वो भी अपनी, किसी और की मत ले आना, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, 3 तो होनी होनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा ही रखो, मैं तो कहता हूँ 5, 6, 7, 8 जितने रख सकते हो, क्योंकि यार पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तुम्हारी कहीं ना कहीं लगती रहती है। प्लस रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखना अपनी, ये नहीं कि तुम ला रहे हो पुरानी से पुरानी 5th क्लास 6th क्लास की, ये लो भैया मैं अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले आया, मान्य ही नहीं होगी भाई, ठीक है। तो अपनी पासपोर्ट फोटोग्राफ लाओ और वो भी रीसेंट, मतलब हो 1 साल पुरानी भी होगी तो चलेगी, मतलब तुम्हारा फेस आइडेंटिफाई होना हो जाने चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, प्लस ये तुम्हारे जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए तुम्हारे पास ओरिजिनल होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, प्लस क्योंकि यार वेरिफिकेशन में ओरिजिनल ही मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इस चीज़ की मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, बट अगर
ओरिजिनल मांग लिए तो क्या होगा, तुम वापस थोड़ा ना जाओगे अपने होम टाउन या फिर अपने स्टेट में दोबारा देने। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने पास रखना ही रखना। फिर रिसिप्ट हो गई, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, तुम्हारे कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, EWS का हो गया, OBC का हो गया, फिर SC ST का भी मैंने बताया, SC ST का भी अगर सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास तो वो भी रखो, अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट रखो। ठीक है, और चीज़ें क्या होती है, ठीक है, और चीज़ें तो बस इतनी ही चीज़ें होती है। तो ये अपने मतलब एक बना के रखो, एक फाइल बना लो जिसमें डॉक्यूमेंट डाल के रखो और वो फाइल लेके आ जाओ, सिंपली कैरी करने में तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी। प्लस और ये कभी भी मांगा जा सकता है तुमसे, तो ये सोचना मत कि यार हमसे ये मांगा नहीं या फिर कुछ भी हो, या फिर ना भी मांगा जाए तो तुम्हारे पास होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो यार ये कुछ डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास जो मैंने बताई ये तुम्हारे पास होने ही चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना, फाइल में कैरी करके ले आना ताकि तुम्हें आगे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो यार प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे नए आया तो सब्सक्राइब कर देना, यही रेड बटन होगा, हाँ इसे दबा देना। ठीक है, और दोबारा मत दबा देना, अगर पहले से दबा रखा है तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा यार, मेरा फालतू में हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा गुड बाय एंड गुड बाय।